24 मार्च दिन रविवार होलिका दहन किया जा रहा है और इस दिन तंत्र मंत्र की क्रिया का भी काफी चलन है। इसी वजह से ज्यादातर लोग दुर्भाग्य दूर करने के लिए होलिका दहन के दिन खास उपाय करते हैं। आइए आपको भी बताते हैं होलिका दहन की राख से किए जाने वाले उपाय क्या हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। होलिका दहन के अगले दिन होलिका की राख को पूरे घर में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियाँ दूर होंगी। वहीं होली की भस्म को शरीर पर लगाकर स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। होलिका दहन की राख को 7 छेद वाले सिक्के के साथ लाल रंग के कपड़े में बांधकर साल भर के लिए धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी और परिवार के सदस्यों की उन्नति भी जरूर होगी। वहीं छोटी सी पोटली को पर्स में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से धन का आगमन बना रहेगा। होलिका की राख को एक ताबीज में बांधकर गले या हाथ में धारण करें। ऐसा करने से बुरी शक्तियों से आपको छुटकारा भी मिलेगा। साथ ही एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाने से राहु केतु की महादशा से मुक्ति मिलती है। वहीं होलिका दहन की राख में नमक और राई मिलाकर घर के किसी गुप्त स्थान पर रख दें। ऐसा करने से घर में होने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी। नौकरी और कारोबार में उन्नति के लिए होलिका दहन की राख को एक पोटली में बांध लें और उसे घर, दुकान या व्यापारिक स्थल के गेट के बाहर टांग दें। ऐसा करने से मंद पड़ा बिजनेस भी लाभकारी हो उठेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।